माननीय अशोक दत्त साहब का माला पहनाकर जोरदार स्वागत करने से सभी सम्मानित साथी जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्य अतिथि का हार्दिक स्वागत निर्गत करने का व्यक्त करें। कि बहुत देर से दर पे आस लगी थी, कि बहुत देर से दर पे आस लगी थी, सम्मानित साथियों, हम सबके बीच में माननीय मुख्य अतिथि जी का मोमेंट को देखकर आदरणीय श्री प्रत्याशी श्री दशरथ लाल सरोज जी देकर स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय श्री दशरथ लाल सरोज जी से। भगवान गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा भेंट कर स्वागत सम्मान करेंगे माननीय श्री दशरथ लाल सरोज जी। अब स्वागत की कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री परम सम्मानित माननीय श्री नकुल दुबे जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। हम सबके बीच में ब्राह्मण समाज के बहुत लंबे अरसे से जनपद फतेहपुर में ब्राह्मण समाज को बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं आदरणीय सम्मानित प्रदीप गर्ग जी से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया आप आए सभा को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय श्री प्रदीप गर्ग जी आज इस फतेहपुर जनपद का और खास तौर से सुरक्षित हमारी ये खागा विधानसभा बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमारे परम आदरणीय
माननीय राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सर समाज और ग्रामीण समाज के पुरोधा हम लोग सभी का बहुत आशीर्वाद और उनके बातों को सुनने का मौका मिला है। हम ज्यादा सभागार लेते हैं, हमारे साथ में पूर्व मंत्री प्रभारी श्री निकुल दुबे जी, साथ में जो पूरे प्रदेश में भ्रमण करके सर समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। वैसे भी ये कहना चाहूंगा हमारे पार्लियामेंट सेक्टर जोन के अशोक गौतम जी, राजू गौतम, सभी सम्मानित बच्चा सीट एवं हमारे प्रत्याशी इधर के श्री दशलाल जी, माननीय अभिभावन मिश्रा जी के द्वारा हम लोग उनके विचार सुनेंगे। सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, धागा विधानसभा कई बार बहुजन समाज पार्टी को माननीय बहन जी को मजबूत करने का काम धाता और धागा के बेल्ट के लोगों ने जो जीत हासिल कराई है, जब बूथ सेक्टर खुला है तो सबसे ज्यादा इधर से वोट का प्रतिशत बढ़ाने का काम किया है। चार चार बार आप विधायक देने का काम किया। सिर्फ आप लोगों से निवेदन कर ब्राह्मण समाज को भी ये भी इलाका ब्राह्मण समाज भी बहुत ज्यादा है, काफी लोग हमारे बच्चे बैठे उद्योग पाठक जी, काफी लोग उनसे अपील करना चाहते हो फिर से आप माननीय गुरु जी के निर्देशन से अगुवाई पे वही जोश के साथ इस सीट को हम लोग को जिता के भारी मतों से जिता के आगे बढ़ाने का पांचवी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। जय भीम जय भारत जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वक्ताओं की अगली कड़ी में निवेदन करता हूं, 243 विधानसभा खागा से माननीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त प्रभारी प्रत्याशी सम्मानित श्री दशरथ लाल सरोज जी, कृपया आप आए और खागा विधानसभा के कोने कोने से आए हुए बहुजन समर्थक साथियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को रखने का कष्ट करें, सभा को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय श्री दशरथ लाल सरोज जी, सर्वप्रथम मैं इस सभा में बोलने के पहले दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले समता सफलता बंधुत्व और न्याय पर आधारित शासन की कल्पना करने वाले महामानव गौतम बुद्ध, शिक्षा के जनक ज्योतिबाराव फुले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी कुर्मी महाराजा, अंधों को आंख, गूंगों को जवान, बहरों को कान, नारी को सम्मान, कस्तूरबा को सिंदूर दान और भारत को संविधान देने वाले विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में सत सत नमन करता हूं। तत्पश्चात कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अपने पद यात्रा और साइकिल यात्रा से और इस सोए हुए कौम को जगाने वाले डीएस4 राम सेठ और बहुजन समाज पार्टी के निर्माता माननीय मसीहा कांसी राम साहब के भी चरणों में सत सत नमन करता हूं। हमारे बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुजन समाज को जगाने के लिए, बहुजन समाज के मान सम्मान को दिलाने के लिए सारी जिंदगी खर्च कर दी, ऐसे उन महापुरुषों को भी मैं सब सत नमन करता हूं। आज इस एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे इस ढाका इंटर कॉलेज के मैनेजर श्री बलबीर सिंह जी को भी मैं प्रणाम करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वो इस सभा में आए, इसके लिए मैं उनका बार बार आभार प्रकट करता हूं। आज इस सभा के मुख्य अतिथि बहन जी के बहुत ही करीबी और राष्ट्रीय महासचिव पूर्व वर्तमान राज्यसभा सांसद माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, उनके साथ चल करके आए माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री जी और इतने भी साथ में चल करके आए, सभी को मैं हार्दिक दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तथा क्षेत्र की जनता जो पूरे विधानसभा के कोनों कोने कोने से चल करके आई, सुबह से लेकर के अभी तक बैठी है माताएं बहनें, मैं सबको अपने
दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री के बीच में बाधा नहीं पड़ूंगा, लेकिन मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि साथियों, इस भाई को, इस बेटे को आप लोग आगे बढ़ाइए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि किसी भी भाई के दुख दर्द में मैं हमेशा शरीक रहूंगा, मैं हमेशा उसके दुख दर्द में आगे रहूंगा। मैं सब विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस सरकार से पूरी जनता उब चुकी है। कोने कोने में हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं हो रही है। किसी को भी, किसी भी सरकार के नुमाइंदों के अंदर जो नहीं रहती, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोई इस पर पहल नहीं कर रहे हैं। देख लीजिए, अभी इलाहाबाद की धरती में चार चार हत्याएं हो गई, किसी को आज तक अभी तक गिरफ्तारी तक नहीं हुआ। साथियों, मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में मैं सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि ये हाथी वाली पटक को दबाना न भूलिएगा। इसी के साथ जय भीम, जय भोजन समाज। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित श्री प्रत्याशी महोदय जी। अब मैं निवेदन करता हूं पूर्व कैबिनेट मंत्री परम सम्मानित माननीय श्री नकुल दुबे जी साहब को से आमंत्रित करता हूं कि कृपया आप आए और आज की सभा को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय माननीय सम्मानित श्री नकुल दुबे जी, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब को सम्मान समर्पित करते हुए आज खागा विधानसभा के इस ऐतिहासिक खाता क्षेत्र में अपने भाई प्रत्याशी श्री दशरथ कुमार सरोज जी को विधानसभा पहुंचाने के लिए जो संकल्प लेने या संकल्प दिलाने आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं, आदरणीय अध्यक्ष कुमारी मायावती जी को पांचवी बार इस प्रदेश का मुखिया बना करके इस प्रदेश में अमन चैन काम कराने का संकल्प आपको दिलाए हैं। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सम्मानित राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी, मुख्य सचिव महानी श्री अशोक गौतम जी, राजीव गौतम जी, माधवेंद्र जी, गुलाब कुमार जी, प्रदीप गर्ग जी, अनिश मंसूरी जी, यहाँ पर मंत्र विराजमान हमारे आज के समारोह के अध्यक्षता कर रहे प्रबंधक महोदय, सामने की ओर बैठे हुए मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों और सर समाज से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथियों, बहुत लंबी जोड़ी बात आप लोग के बीच में किसी से करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी को सुनने यहाँ पर आए हुए हैं। एक दो बातें जरूर आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आप सबसे ये जानना चाहता हूँ कि कृपया आप सब लोग मुझे बताने का काम करेंगे कि क्या आज हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा हिंदुस्तान खतरे में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर हमारा उत्तर प्रदेश और हमारा हिंदुस्तान खतरे में जा रहा है तो कितनी मन की जिम्मेदारी है, उतने से ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं है। मैं अपने समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है तो क्या बताइए 2022 में हमको बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर हमको बदला लेना चाहिए तो आप सब लोगों को तैयार हो जाना चाहिए कि जब तक हम लोग भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर खबर तक पहुंचा नहीं देंगे तब तक बहुजन समाज का एक भी सिपाही चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। मैं आप सबका आभार करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोलने जा रहे हैं, उनकी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अपने मन में रखिएगा, अपने दिलों में रखिएगा और उन बातों को यहाँ पर छोड़ करके मत जाइएगा, उनको अपने साथ में करके जाइएगा। 2022 के चुनाव में बहुत देर नहीं है, बहुत दिन नहीं है, लेकिन इनको सबक सिखाना है कि
दिनों में हमारे आपके बीच में लड़ाई झगड़ा गुंडा फसाद करा करके हमारे आपके अमन चैन को छीनने का काम किया है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आरोप करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आपके कार्यक्रम के लिए कृपया वो गाइड पर आए, हम सबको आशीर्वाद देने के बारे में माननीय सुनील मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जय। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी को बुलाने से पहले आप सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करता हूं कि जोरदार नारे के साथ माननीय मुख्य अतिथि जी को बुलाऊं, उससे पहले जोरदार नारा लगाने का कष्ट करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, भैंक कुमारी मालती जी जिंदाबाद, भैंक कुमारी मालती जी जिंदाबाद, भैंक कुमारी मालती जी जिंदाबाद। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय श्री अशोक गौतम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी, माननीय राजीव गौतम जी मुख्य सेक्टर प्रभारी, माननीय गुलाब चौहान जी विधानसभा प्रभारी और प्रत्याशी जिनको कि हमारी नेता बहन कुमारी मायती जी ने अपना आशीर्वाद आपके समक्ष इस समय उपस्थित हैं उनको विधानसभा में पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, वो मौजूद हैं श्री दशरथ लाल जी, दशरथ लाल सरोज जी, माननीय श्री दीप गौतम जी, अरुण केशवम जी, यहाँ पर उपस्थित श्री मानवेंद्र आजाद जी, हमारे बीच में बैठे श्री अनीस मंसूरी जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी जो आज हम लोगों की उत्साह बढ़ाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं, माताएं बहनें और हमारे मीडिया के बंधुओं भाइयों, आज से ठीक एक महीने का समय रह गया जबकि चुनाव के मैदान में आप लोग सभी लोग होंगे और एक महीने इस एक महीने के अंदर जो भी कार्य आप करेंगे वही आपका भविष्य तय करेगा। हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो 30 दिन हैं इसका हर 24 घंटे हम लोगों के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि इन 30 दिनों को और उसमें से भी हर 24 घंटे को जिस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे उसी का नतीजा आपके पास एक महीने बाद दो महीने बाद निकलने वाला है। चुनाव की घोषणा 2017 में 3 जनवरी को हुई थी, अब की बार 1 जनवरी को उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव की घोषणा होगी, तो इस बीच में आपको इस प्रदेश में जो पिछले 5 साल में हुआ है उसका आंकड़ा आपके सामने रखा है और आपको देखना है कि भविष्य कैसा हो। क्या भविष्य आप वैसा ही चाहते हैं जो पिछले 10 वर्षों में हुआ है आपके साथ में, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप सभी लोगों ने देखा चीख चीख करके लोग कहते थे कि इतनी ऐसी गुंडागर्दी वाली सरकार जहां पर दहशतगर्दी गुंडागर्दी लोगों महिलाओं के साथ में दुराचार, यहां तक कि महिलाओं के साथ साथ में बुजुर्गों का भी बुजुर्ग भी जो है सुरक्षित नहीं रहते थे, कब किसके घर में घुस के कहां पर किसको मार दिया जाए किसी को नहीं मालूम था, किस तरह से चारों तरफ प्रदेश में दंगा फसाद ये सारा माहौल सबने देखा, लोगों समझे कि अब उससे हटना है तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आ गए। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए लेकर के आए कि उन्होंने एक तो बड़ा भारी धर्म का मुखौटा, एक फर्जी मुखौटा अपने चेहरे पर लगा रखा था, धर्म के नाम पे वोट मांगना शुरू किया, लोगों को बांटना शुरू किया और उसके बाद कहा कि हमें वोट दे दो और फिर वादे करने का काम किया, कितने झूठे वादे किए
अगर झूठ बोलने का कोई कंपटीशन होता, प्रतियोगिता होती, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग सबके सब अव्वल नंबर पे आते और सबसे ज्यादा पदक जीतने का काम करते। कितना झूठ बोल करके वोट मांगा आपसे, और वही समय फिर आ गया है। आपके बीच में आए, कहा कि नौजवान हमारे साथ में आ जाए। क्यों? क्योंकि बेरोजगार है, बेरोजगारी है। आप हमारे साथ में आ जाइए, हम आपको 2 करोड़ लोगों को नौकरी, नौजवानों को हर साल देने का काम करेंगे। क्या 2 करोड़ की नौकरी किसी को मिली? नौकरी तो छोड़िए, उन्होंने तो 2 करोड़ लोगों की नौकरी लेने का काम किया। जितने भी सरकारी उपक्रम थे, जहां जहां भी सरकारी नौकरियां मिल सकती थी, उन सारी जगहों को उन्होंने बेचने का काम कर दिया। चाहे वो तेल की कंपनियां हो, चाहे रेल की कंपनी हो, चाहे बिजली बनाने की कंपनियां हो, एक एक करके उन्होंने, चाहे ONGC हो, जहां 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 पर भी सरकारी उपक्रम थे, जहां लोग नौकरी पाते थे, उनको बेचने का काम किया, नौकरियां खत्म करने का काम किया। प्रदेश में जहां जहां सरकारी नौकरी मिलती थी, चाहे नगर पालिका हो, चाहे PWD हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे ब्रिज कॉरपोरेशन हो, सेतु निगम हो, चाहे जल निगम हो, चाहे और कोई संस्था हो जो प्रदेश की, उसमें भी उन्होंने नौकरी देने की प्रथा खत्म कर दी। और क्या कहा कि अब ये सब काम ठेके पे होंगे, ठेकेदारी में होंगे। आप याद करिए बहन मायती जी को, उन्होंने तो ये वादा नहीं किया था कोई कि हम आएंगे 23 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन आते ही उन्होंने नौकरियां देने की छड़ी लगा दी। पहले ही वर्ष में उन्होंने 1,13,000 उन्होंने हर गांव में एक एक व्यक्ति को नौकरी देने का काम किया और सर्व समाज से देने का काम किया। आज कोई 40,000 पा रहा है, कोई 50,000 पा रहा है, और जो ठेके में इंजीनियर काम कर रहे हैं वो 5,000 और 6,000 में काम कर रहे हैं। कंप्यूटर का इंजीनियर 6,000-5,000 में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि नौकरी नहीं है। बहन मायती जी ने जो वर्षों पुराना एक बैन लगा रखा था इन्हें नौकरी देने का, उन्होंने खत्म किया और नौकरियां देने का काम किया। उन्होंने हर तरफ, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, उन्होंने सबको उन्होंने सुरक्षा देने के साथ साथ में उनको आगे बढ़ाने का काम किया। एक समाजवादी पार्टी की सरकार और एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज लाखों की संख्या में टीचरों की नौकरियां खाली पड़ी हैं। कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम नौकरी नहीं दे सकते। आज कोई भी रिटायर होता है तो उसकी नौकरी नहीं दी जाती है, उसकी नौकरी बंद, उसकी जगह दूसरे को नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि कहते हैं हमारे पास खजाने में पैसा नहीं है। पूछिए वो खजाने में पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा कहीं तो जा रहा होगा। कहते हैं कि 8 लाख करोड़ का बजट है हमारा, तो ये 8 लाख करोड़ कहाँ जा रहे हैं? क्या खाली इनके विज्ञापनों में जा रहे हैं? क्या खाली ये दिखाने में जा रहे हैं कि इस प्रदेश में बड़ी खुशहाली है, बड़ा कानून का राज चल रहा है, ये दिखाने के लिए जा रहे हैं? क्या यही कानून का राज है? जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात करी थी इन्होंने हर 2 घंटे में, ये हम लोग नहीं कहते हैं, ये सरकारी रिपोर्ट कहती है, जो इनका नेशनल क्राइम ब्यूरो है वो कहता है कि हर 2 घंटे में उत्तर प्रदेश में एक महिला के साथ में बलात्कार और दुराचार होता है। क्या ऐसी ही सरकार चाहिए थी? क्या ऐसी सुरक्षा मांगी थी? याद करिए बहन मायती जी की सरकार को, सुरक्षा के नाम पे, कानून व्यवस्था के नाम पे, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ती थी, वो रुकती नहीं थी, वो बगैर सोचे निकल जाती थी, क्योंकि उसको ये मालूम था कि कोई भी हमारी तरफ गलत नियत से आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं। ये सोचकर उन्होंने अपनों को ही नहीं बख्शा तो दूसरों को क्या बख्शती। बहुजन समाज पार्टी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कानून अपने हाथ में लेने का काम किया था, उन्होंने देरी नहीं की, अपने घर में बुलाया अपने ही MP को और वहीं से हथकड़ी लगा करके 5 साल के लिए जेल के अंदर भेजने का काम किया था बहन मायावती जी। तब कानून द्वारा कानून का राज चलाया था। आज की तरह नहीं कि किस तरीके से हाथरस में आप लोगों ने देखा कि एक दलित बेटी के साथ में
पहले दुराचार होता है, बाद में जब वो मर जाती तो उसका देह भी घर वालों को नहीं देते हैं अंतिम संस्कार के लिए। उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं नहीं नहीं इसको नहीं देना है, क्योंकि जल्दी से जला दो, हमारे अपने लोग हैं जो उलझम हैं, उनको बचाना है और बचाना है इसलिए इनको इसको रात में जलाने का काम करो। मिट्टी का तेल डाल करके रात के 2:30 बजे पुलिस वालों के द्वारा उसका दाह संस्कार किया जाता है, उसको जला दिया जाता है, मां रोती रहती है, बिलखती रहती है, उसको सिकजे के अंदर बंद कर दिया जाता है। किस तरीके से खुशी दुबे 2 दिन पहले ब्याह करके आई थी, 2 दिन पहले उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी थी और आज पूरा 1.5 वर्ष हो रहा है उसको जेल के अंदर बंद करके रखा हुआ है। बीमार हो गई, उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी उसकी बेल नहीं होने दी, क्योंकि कहते हैं कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, मुखिया का आदेश है कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से किस तरीके से अभी इलाहाबाद में 4 लोगों को दलित परिवार के उनकी हत्या हो गई और 2 दिन बाद कहते क्या है कि नहीं नहीं ये तो किसी उन्हीं के परिवार के रिश्तेदार को पकड़ने का काम कर रहे हैं। किसी को पकड़ने किस तरीके से कासगंज में आपने देखा कि पुलिस में जो व्यक्ति बंद था थाने में उसको कहते हैं कि आत्महत्या कर ली, और कैसे आत्महत्या कहते हैं कर ली, 2 फुट का ऊंचाई का एक नल लगा हुआ है, कहते हैं उससे वो लटक के मर गया। इस तरह की आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चल रही है, पुलिस वालों को जिनका की काम होता है लोगों की सुरक्षा देने का, लोगों को व्यवस्था बनाने का, आज इस सरकार में उन्हीं से क्या काम कराया जा रहा है, दहशत फैलाने का काम कराया जा रहा है। दहशत फैला करके एक आईपीएस अधिकारी ने इतना प्रताड़ित किया एक लड़की को जो काम कर रही थी दफ्तर में कि उसने आत्महत्या कर ली, और लखनऊ की लड़की, और उसने लिख करके दिया कि हमको इतना प्रताड़ित किया कि हमने आत्महत्या कर ली, लेकिन कोई असर नहीं, कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि ऊपर से इनके ऊपर हाथ था कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। किस तरीके से गोरखपुर में एक व्यापारी अपने होटल के कमरे में सो रहा है और रात के 12 बजे वहां होटल के अंदर घुस करके उसको इतना मारा गया कि जब तक वो मर नहीं गया, और उसके बाद वहां के आईपीएस अधिकारी बुला करके एसएसपी और डीआईजी अपने कमरे में, जो कि वीडियो सबने देखा, धमका रहे हैं उसकी पत्नी को, विधवा पत्नी को, कि केस वापस ले लो, केस आगे ना बढ़ाओ वरना तुमको परेशानी उठानी पड़ेगी। किस तरह से महोबा में एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को जो कि व्यापारी था उसको एक आईपीएस अधिकारी ने इतना प्रताड़ित किया, उससे रंगदारी लेने का काम कर रहे थे, उसको रोज फोन करके तंग करने का काम कर रहे थे, पैसा वसूली का काम एक आईपीएस अधिकारी कर रहा था, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गाड़ी के अंदर और कह दिया कि उसने तो आत्महत्या की। जब टेलीफोन के रिकॉर्डिंग सामने आ गई तो उसके बाद उससे कहा आईपीएस अधिकारी ने, आला कमान ने, कि तुम यहां से फरार हो जाओ। अगर कोई और व्यक्ति होता है जिसके ऊपर जरा सा भी मुकदमा होता है, चाहे वो दलित समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, पिछड़े वर्ग का समाज का हो, गरीब हो, तो उसको 24 घंटे के अंदर ढूंढने का काम करते हैं, फर्जी तरीके से उसका इनकाउंटर करने का काम करते हैं, उसका मकान में बुलडोजर चलाने का काम 48 घंटे के अंदर कर देते हैं। और यहां 1.5 साल से ये आईपीएस अधिकारी उनको कहते हैं कि फरार हैं, मिल नहीं रहे हैं। क्या ऐसी कानून व्यवस्था चलेगी? बहन मायावती जी की याद करिए कि किस तरह कानून द्वारा कानून का राज उन्होंने उत्तर प्रदेश में स्थापित किया था, किस कैसे चलाने का काम किया था। ये पुलिस अधिकारी जो थे वही राज जब बहन मायावती जी का था तो कानून व्यवस्था को संभालने का काम कर रहे थे। इनकी मजबूरी है, जो ऊपर से आदेश आता है, जो ऊपर से निर्देश आता है, जिस तरीके से सरकार के ऊपर मुखिया बैठ करके कहते हैं उस तरह से ये भी चलने लगते हैं। इसीलिए आपको इन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। सोचिए कैसे वादे किए थे किसानों से कहा कि हम तो जो है, जैसे कि
नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे और जब नहीं दिए वो आंदोलन हुआ तो लाठियां मारी, सर से खून निकाला और फिर बाद में कहा जाओ पकौड़ा ही बेचो जाके, तुम्हें नौकरी तो नहीं दे सकते, पकौड़े बेचने का काम करो। इस तरीके से इन्होंने किसानों से भी यही किया, किसानों से कहा वोट दे दो हमको, जब वोट दे दोगे तो देखो हम तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। आमदनी को 2 गुना तो छोड़िए, उनकी आमदनी 0 कर दी। पूरे देश का किसान आंदोलित रहा कि आप हमको न्यूनतम जो पैसा मिलना चाहिए हमारी फसल का उसका कानून बना दीजिए, हमको भटकना ना पड़े, हमको धक्के ना खाने पड़े, हमको मालूम रहे कि ये रुपया कम से कम हमारी फसल का मिलेगा। कानून नहीं लाए, आज तक कानून लेकर के नहीं आए। संसद में हम लोगों ने भी घेरा, संसद के बाहर बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन किया, उसको लाने का काम नहीं किया, लेकिन 3-3 काले कानून ले आए और ऐसे कानून लेकर के आए कि किसानों की जमीन जब्त कर ली जाए, जमीन इनके कब्जे में आ जाए, वो अपनी जमीन से भी बेदखल हो जाए। इस तरह के काले कानून लेकर के आए कि मजबूरन किसान को अपनी जमीन ठेके में देनी पड़ेगी उद्योगपतियों को, और जब उद्योगपति के पास आ जाए कि उनसे कौन से उद्योगपति, वही बड़े बड़े 2-3 उद्योगपति जिनके हाथों में इन्होंने आजकल पूरा देश बेच दिया है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो बिजली घर हो, चाहे वो तेल बनाने की कंपनी हो, उन्होंने चाहे वो डिफेंस की कंपनी हो, चाहे वो सुरक्षा बना के उपकरण बनाने की कंपनी हो, सब के सब इन्होंने उनके हाथों में बेच करके और वहां से नौकरियां तो जब खत्म करने का काम ही किया, लेकिन आपकी संपत्ति को बेचने का भी, आधे पौने दामों में बेचने का काम किया, और उन्हीं के हाथ में किसानों की जमीन को भी देने की योजना बना ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आपको 1000 करोड़ रुपया चंदा देते हैं, चुनाव लड़वाते हैं, चुनाव जीतने का व्यवस्था करते हैं आपकी। अभी आज अखबार में हम पढ़ रहे थे कि 1 दर्जन हेलीकॉप्टर उतर गए हैं, 100 के करीब और आने वाले हैं, और कई प्लेन उतर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम लेकर के लिख करके, और पूरे उत्तर प्रदेश में अब घूमेंगे, तो ये कहां से आएंगे ये हेलीकॉप्टर और ये प्लेन और हवाई जहाज? क्योंकि आपके जो पैसे थे, जो ये उपक्रम बेच रहे हैं, जो संपत्तियां बेच रहे हैं, जो उद्योगपतियों से पैसा ले रहे हैं, उसी को तो इस्तेमाल करेंगे, और उन्हीं के हाथ में किसान की जमीन भी देने की योजना बना ली। पूरे देश का किसान आंदोलित हुआ, 1.25 साल तक किसान लड़ता रहा, काला कानून कहकर के वो चिल्लाता रहा इसको वापस लो, इसको वापस नहीं लिया, और अब वापस ले रहे हैं 1.25 साल के बाद। जब 700 किसानों की बलि चढ़ गई, 700 से ज्यादा किसान मर गए इस आंदोलन में, तब आप कहते हैं कि हम इस कानून को वापस ले रहे हैं, और वो भी क्यों ले रहे हैं? कहते हैं कुछ ही महीनों के लिए ले रहे हैं, चुनाव निकल जाएगा। इनके तो बड़े बड़े नेताओं, राज्यपाल तक ने यह बयान दे दिया कि ये तो बहुत अच्छा कानून है, इसको मजबूरी में वापस ले रहे हैं, और इसके बाद इसको फिर सोचेंगे। तो कब सोचेंगे? जैसे ही चुनाव हो जाएगा, और आपने अगर उनको जिताने का काम किया तो दोबारा से उस कानून को लादने का काम कर। 700 किसान मर गए, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोले, एक बार भी नहीं कहा। कहा तो सिर्फ इतना कहा कि मैं इसलिए माफी मांगता हूं क्योंकि किसान समझ नहीं पाते हैं, उनकी समझ ना समझ है, किसान लोग उनकी समझदारी नहीं है। जो किसान उनको अन्न देता है, जिसके अन्न खा करके आज जीवित हैं लोग, जिस किसान का बेटा सरहद में लड़ाई लड़ता है और जा करके देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देता है, उसके लिए कह दिया कि ना समझ है, और वो समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए हम अभी कानून वापस ले रहे हैं। किसानों की जो 700 लोग मर गए उनके बारे में एक शब्द भी नहीं। उनको क्या देंगे? उनके घर वालों को कैसे कॉम्पनसेट करेंगे? MSP के बारे में एक शब्द नहीं। न्यूनतम इतना पैसा देंगे फसल का, उसके बारे में एक शब्द नहीं। जो सैकड़ों की संख्या में किसानों के ऊपर मुकदमे लाद दिए हैं, उसके बारे में भी एक शब्द नहीं। और संसद के अंदर भी कह दिया कि इस पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि किसानों की बात उठेगी इसलिए हम चर्चा नहीं होने देंगे, और चर्चा नहीं होने दिया उन्होंने। तो ये जो ना समझ सकते हैं, समझते हैं किसानों को, अब की बार वक्त आ गया, अब की समय आ गया है कि इनको बताना पड़ेगा, इनको दिखाने का समय आ गया है कि ना समझ तो ये हैं जिन्होंने किसानों की समझ को अभी समझा नहीं है, और किसान अब की बार अपना वोट दे करके इनके खिलाफ और एकजुट होकर के
हाथी के निशान पर अपनी बटन दबा करके इनको सबक सिखाने का काम करें। बहन मायती जी ने वादा किया है, और जो वादा करती है वो सबको मालूम है कि वो कहती हैं जो फिर वो करके दिखाती भी। उन्होंने कहा कि ये अभी कानून वापस लिया है, दबाव में इन्होंने आके दोबारा भी लाने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारे रहते हुए और हमारी सरकार बनती है तो किसानों के ऊपर कोई भी इस तरह का गलत कानून इस्तेमाल लगने नहीं देंगे। उन्होंने जो कहा पहले भी क्या, ये तो कहा था इन्होंने दो गुना आमदनी बढ़ा देंगे, 25 रुपए बढ़ाए 5 साल में, वो भी चुनाव के समय आकर के गन्ना के खरीद में 25 रुपए, 5 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से। बहन मायती जी ने तो कुछ नहीं वादा किया था, लेकिन किसानों किसान के बारे में वो खुद सोचती हैं। उन्होंने अपनी 5 साल की सरकार में जो गन्ना का मूल्य 125 रुपए था उसको 2 गुना करने का काम बहन मायती जी ने किया था, 250 पहुंचाने का काम किया। उन्होंने महिलाओं के लिए एक दो नहीं अनेकों योजनाएं बनाई, ऐसी ऐसी योजना बनाई कि हर महिला को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा गरीब परिवार में किसी भी जात किसी भी धर्म में कोई पैदा होती है बच्ची और गरीब परिवार है तो उसके लिए कोई मातम ना मचे, इसलिए उसके परिवार वाले खुश हो। उन्होंने कहा जिस दिन बच्ची पैदा होगी उसी दिन खबर मिलते ही हमारे अधिकारी जाएंगे उसके घर में और एक बैंक ड्राफ्ट देने का काम करेंगे, जिससे कि उस लड़की के नाम पे और वो 18 वर्ष की जब होगी तो उसके खाते में 1 लाख रुपया जमा होगा, ये निकलना चाहिए। पढ़ाई उसकी मुफ्त होगी, साइकिल दी जाएगी, किताबें दी जाएंगी, हॉस्टल दिया जाएगा, उसको पूरा पढ़ने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने महिलाओं के लिए वृद्धा महिलाओं जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए अलग पेंशन देने का काम किया। उन्होंने हर महिला जो गरीब परिवार में थी गांव-गांव में जिसको लेकर के पूरे प्रदेश में एक अभियान के तौर में उन्होंने 36 लाख महिलाओं को चिन्हित करके और उनको हर महीने उन्होंने 400 रुपए जो मुखिया महिला थी उसके हाथों में पहुंचाने का काम कैंप लगवा करके हर महीने देने का काम बहन मायती जी ने किया। और इतना ही नहीं उन्होंने उनकी सुरक्षा को लेकर के और उनकी हर तरह की उन्नति को लेकर के उन्होंने आगे बढ़ाने का काम बहन मायती जी ने किया। आज पूरे प्रदेश में विकास अगर कहीं दिखता है तो वो वही विकास दिखेगा आपको जो 10 वर्ष पूर्व 5 साल तक बहन मायती जी की सरकार में हुआ था। उन्होंने 23 नए जिले बनाए, 23 नए जिले, कौशाम्बी भी बहन मायती जी का बनाया हुआ जिला, 23 नए जिले बनाए, उसका समग्र विकास करने का काम किया। और समग्र विकास जब जिला बनता है तो समग्र विकास होता है। 29,000 अंबेडकर गांव को बहन मायती जी ने समग्र विकास करके उनका विकास करने का काम, सीसी रोड बनाते हुए समग्र विकास करने का काम किया। 1 दर्जन से ज्यादा उन्होंने मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाने का। हर जिले में स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, 5,000 से ज्यादा उन्होंने प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया, जूनियर हाई स्कूल बनाने का काम किया, 29,000 प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया। ये सारे कार्य बहन मायती जी की सरकार में हुए। और इतना ही नहीं 6,500 मेगावाट की बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 17 वर्ष पहले से होता चला रहा था, जब सरकार बनी तो उन्होंने उसको बढ़ा करके 13,500 मेगावाट बना करके पूरे प्रदेश में बिजली को बढ़ाने का काम बहन मायती जी ने किया। आज इस सरकार में क्या होता है, धर्म के नाम पे वोट मांगने का काम और लोगों को चुनाव के समय आकर के आपस में भिड़ाने का काम, सिर्फ यही काम रहता है इनके पास। अभी आप देखेंगे तरह तरह के बयान इनके आने लगेंगे, तरह तरह की बातें कहने लगेंगे, तरह तरह के भड़काऊ भाषण देने लगेंगे, लेकिन आपको सतर्क रहना है इनसे। अच्छी बात यह है कि आज पूरा प्रदेश हर व्यक्ति इनका इस असली चेहरे को पहचान चुका है, इनकी नीयत को पहचान चुका है और इसीलिए वो इनके इस तरह के भड़काऊ बयानों में आने वाला नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के MLA जो हैं उनकी ये हालत हो गई है क्योंकि वो कोई भी काम अपने क्षेत्र में नहीं कर पाए सिवाय भड़काने के, सिवाय लड़ाई झगड़ा, सिवाय दंगा फसाद के, कि आज वो अपने घरों पे भी नहीं जा पा रहे हैं, पीछे के दरवाजे से अपने घर में घुसते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा पा रहे हैं,
क्योंकि वहां लोग खड़े हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, सवाल जवाब करने लगते हैं, कहते हैं कि क्या किया तुमने अभी तक, अब तो जवाब दे दो, अब तो जा रहे हो। तो वो भी क्या जवाब देते हैं, कहते हैं अब क्यों पूछ रहे, अब तो हमारे जाने का समय आ गया, ये तो हमें भी मालूम है, तो अब हमसे क्या पूछ रहे, अब हमको छोड़ दो, हमको जाने दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सिवाय उसमें दहशत फैलाने का काम, लोगों को मरवाने का काम, लोगों को रोको और ठोको की नीति का काम, इसके अलावा इनके पास क्या बचा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर 500 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में कैसे हो गई इनकी सरकार में, 100 से ज्यादा एनकाउंटर ब्राह्मण समाज के कैसे हो गए। कुछ लोगों को कहा गया है कि तुम्हें पूरी छूट है, और औरों के ऊपर एनकाउंटर, खुलेआम गोली छोड़ा देना, इस तरह का जो इनकी योजनाएं हैं, जो इनके तौर तरीके हैं दहशत फैलाने के, इसको उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो अच्छी तरह से पहचान चुकी है, और आप लोग भी देख चुके हैं, और हम लोगों को सतर्क रहना है इनकी इन चीजों से। ये धर्म के नाम का जो झूठा मुखौटा इन्होंने पहन रखा है उसको उतारने का काम भी हम लोगों ने किया। हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके आए अभी पिछले 2 महीने पहले, और हर जगह जा करके हमने तो शुरू किया था अयोध्या से, फिर हम गए थे वाराणसी और वृंदावन, हर जगह हमने इनका दिखाने का काम किया, इनका असली चेहरा दिखाने का काम किया कि वोट तो धर्म के नाम पे लेते हैं, वोट तो राम के नाम पे लेते हैं, लेकिन इन्होंने करने का काम किया, इन्होंने वहां पर कुछ भी नहीं किया। अयोध्या में अगर कुछ हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान हुआ, वाराणसी में कुछ हुआ है तो BSP की सरकार में हुआ, वृंदावन का समग्र विकास हुआ तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो सिर्फ वोट लेने का काम किया, लोगों को भड़ाने का काम किया, भड़काने का काम किया, दंगे फसाद, लोगों को लड़ाना भिड़ाना, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ये एक मिलीजुली योजना होती है, मिल करके योजना बनाते हैं, और इससे आपको बहुत सतर्क रहना है। क्यों नहीं बहन मायावती जी की जब सरकार होती है तो कोई दंगा फसाद होता है, कभी प्रश्न करिए अपने आप से, उत्तर मिल जाएगा। और उत्तर तो यही है कि कोई दंगा फसाद होता ही नहीं है, दंगा फसाद तो कराया जाता है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, पिछड़े वर्ग के समाज लोग हों, अपर कास्ट के हों, ब्राह्मण समाज के हों, दलित समाज के लोग हों, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती है और बहन मायावती जी मुखिया होती हैं, तो ये लोग एकजुट होकर के एक साथ क्यों रहते हैं, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति जो बहुजन समाज पार्टी का नारा भी है, उसको अमली जामा पहनाने का काम सिर्फ बहन मायावती जी करती हैं, और इसीलिए सब वहां सुरक्षित रहते हैं, हर वर्ग सुरक्षित रहता है और अपने को महसूस करता है कि मेरी सरकार है। और खास तौर से वो जो गरीब है वो जानता है कि हमारे बारे में अगर कोई सोचने का काम करता है तो वो बहन मायावती जी करती हैं, चाहे किसी भी जात किसी भी धर्म का हो। ये लोग तो ढोंग का काम करते हैं, गरीबों के घर में चले जाएंगे, दलितों के घर में जाएंगे, कहेंगे हम तो रोटी खाने आए हैं, और मीडिया को साथ में ले जाएंगे, खाना भी साथ में ले जाएंगे, खाना पहले पहुंचा जाता है, इनके बर्तन पहले पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहां पर बैठ करके खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद फिर बाहर निकल के भूल जाते हैं। बहन मायावती जी इस तरह का काम नहीं करती हैं, इस तरह का झूठा ढोंग करने का काम नहीं करती हैं, गरीबों के बारे में तो सोचने काम सिर्फ वही करती हैं, इसलिए वो झोपड़ियों में नहीं जाती हैं, बल्कि झोपड़ियों में जो लोग रह रहे हैं उनको वहां से निकाल करके और पक्के मकान में पहुंचाने का काम बहन मायावती जी करती हैं। 20 लाख से ज्यादा मकान मुफ्त, 2-2 कमरे के, ऐसे ही लोगों को जो झोपड़ी में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, उनको निकाल करके और उनको पक्के मकान देने का काम मानवर काशीराम जी की आवास योजना के तहत में बहन मायावती जी ने देने का काम किया। पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी योजनाएं, जितना भी विकास आपको दिख रहा है आज, योजनाएं तो सब खत्म कर दी इन्होंने जो कि गरीबों के लिए थी, लेकिन विकास अगर आपको कहीं भी नजर आएगा तो वही याद करना पड़ेगा कि जो बहन मायावती जी ने अपने सरकार में किया था, उसके बाद तो यहां पर कुछ नजर नहीं आता। ये विकास इनके उसमें कहीं पर लिखा हुआ विकास शब्द है ही नहीं, विकास की जगह इनके यहां जो शब्द इस्तेमाल होता वो विनाश है, और इसीलिए ये विनाश करने का काम करते हैं। ये
लोगों से बात करेंगे, झूठे वादे करेंगे और उसके बाद उनको बरगलाने का काम करेंगे। बहन मायावती जी सर्व जन को देखती हैं, सबके बारे में सोचती हैं, दलित समाज में आज देख रही है कि कौन सी पोस्ट पर किसका रिजर्वेशन बचा है। रिजर्वेशन तो खत्म ही कर दिया इन्होंने, तो खाली उससे कोई दलित समाज का नुकसान नहीं पहुंचाया इन्होंने, इन्होंने तो सर्वजन को पहुंचा दिया नुकसान। जब नौकरी ही खत्म कर दी तो रिजर्वेशन तो खत्म ही हो गया, लेकिन जो बाकी नौकरियां रिजर्वेशन के अलावा लोग पाते थे वो भी खत्म करने का काम इन्होंने कर दिया। तो ये सिर्फ विनाश और उसकी ही योजना इनके मन में रहती है और अपना खाली विज्ञापन के माध्यम से दिखाने का काम है। हर भाषण इनका और समाजवादी पार्टी का आप देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ होता है सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता है कि भड़काने वाला होता है, आपस में भिड़ाने वाला होता है, और इसी से हमको सतर्क रहना है। और इनका अब की बार सतर्क रह करके आपको अपनी योजना बनानी पड़ेगी। जो 30 दिन है, इन 30 दिनों में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या हम फिर से ऐसी सरकार चाहते हैं जो गरीबों को कुचले, ऐसी सरकार चाहते हैं जो किसानों के ऊपर लाठी चलाए और उनको अपनी गाड़ी से रौंदने का काम करे। किसान अगर आंदोलन कर रहा है तो आपने उसके ऊपर गाड़ी रौंद दी और रौंद करके उसको मारने का काम किया और कोई नहीं पकड़ा जाता है। पकड़े जाते हैं कब, जब सर्वोच्च न्यायालय अपने हाथ में मामला ले लेती है तब आप दिखाने के लिए पकड़ते हैं। क्या ऐसी सरकार चाहिए दहशतगर्दी वाली, जहां पर जब टीचर लोग जो हैं वित्त विहीन टीचर लखनऊ पहुंचते हैं, जिनको कि इन्होंने वादा किया था 20 लाख से ऊपर कि हम आपको मान दे देंगे और मान दे देंगे, सम्मानजनक मान दे देंगे, वोट दे दीजिए, वोट ले लिया, और जब वो पहुंचे 4 साल इंतजार करने के बाद इनके पास, समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया था, फिर इनके पास पहुंचे तो क्या कहते हैं कि वादा किया था कोई जरूरी थोड़ी ना निभाना है हमको। उन्होंने कहा नहीं फिर तो हम आंदोलन करेंगे, तो उनको भी क्या मिला, लाठियां मिली, लाठियों के साथ साथ में किसानों के ऊपर तो गोलियां भी बरसा दी, उनको लाठी मारी, सर फोड़ने का काम किया। और एक महिला जो अध्यापिका थी उसने विधानसभा के सामने अपना सर मुड़ाने का काम किया और सर मुड़ा करके कहा कि इस सरकार की अंत्येष्टि हम आज कर रहे हैं सर मुड़ा करके, उसने तो उसी दिन अंत्येष्टि कर दी थी। और इन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद क्या कहते हैं उस आंदोलन के बाद, टीचरों के बारे में जो हम लोग पढ़ाते हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग पढ़ लिख करके यहां पर खड़े हैं, कहते हैं कि इन्होंने ये जो अध्यापक लोग हैं इनको लाठियां पड़ी हैं, इनको जो चोटें मिली हैं ये इसी लायक हैं क्योंकि इन्होंने पिछले जन्म में कुकर्म किए थे, इसलिए इस साल इस जन्म में ये अध्यापक बने। तो ऐसी सोच जो सरकार रखे और इस तरीके से संवेदनहीन बातें जिस सरकार में हो, तो अगर आपको ये ऐसी ही सरकार चाहिए तो बात दूसरी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा वक्त देखने को ना मिले जिसके लिए अब आप अभी तक समय गिन रहे थे और गिनते गिनते अब 3 महीने रह गए और 3 महीने के बाद इनकी विदाई का समय हो गया है, तो आपको आप चाहते हैं कि फिर से ऐसा माहौल ना बने जहां महिलाएं असुरक्षित हों, जहां नौजवान लाठियां खाए अपनी नौकरी पाने के लिए, जहां किसान का सर फोड़ा जाए और उसको गाड़ी से रौंदा जाए, जहां पर मजदूर सड़कों में, आपने देखा किस तरीके से कोरोना के दौरान मजदूर पैदल चल करके सड़कों में आ रहा था, कई कई किलोमीटर, 200 किलोमीटर नंगे पैर, हाथ में गोदी में बच्चे को लेकर हम लोगों की माताएं बहनें और लिए चली आ रही थी, रास्ते में कितने लोग मर गए। और इनके अंदर इतना भी नहीं हुआ कि इनको हम गाड़ी दे दें, इनको खाना दे दें, इनके लिए कैंप लगा करके कोई व्यवस्था कर दें, ना कोरोना में सैकड़ों हजारों लोग मर गए। कैसे मर गए, इनकी अव्यवस्था की वजह से, ना डॉक्टर था, ना दवाई थी, ना ऑक्सीजन थी, ना बेड थी, लोग जहां थे वहीं के वहीं रह करके वो मर गए। और इसके बाद मरने के बाद भी उनको दफनाने की जगह भी नहीं थी, उनको दफनाने के लिए लकड़ी भी नहीं थी। तो ऐसी तो सरकार हमने देखी है, आपने देखी है, तो इसको ध्यान में रखिए।
इन सब बातों का अगर आप चाहते हैं फिर से ऐसा मंजर ना देखना पड़े और फिर से खुशहाली आए उत्तर प्रदेश में, फिर से गुंडागर्दी ना देखनी पड़े, दहशतगर्दी ना देखनी पड़े, दंगे फसाद ना देखने पड़े, आपस में लड़ाई झगड़ा ना देखना पड़े, हम लोगों मिलजुल करके रहें और भाईचारा बन के रहे, तो अगर ये सोच, अगर ऐसी सोच है तो फिर आज आपको इकट्ठा होने की जरूरत है। और इकट्ठा हो करके खाली अपने साथ सीमित रहने से फायदा नहीं है, आप लोगों को जिम्मेदारी भी बनती है। खाली ये हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपना जो ये समय एक महीने का बचा है उसको इस्तेमाल करिए सही ढंग से, और इस्तेमाल करके इस एक महीने को अपने लिए इस्तेमाल करिए, अपने लिए इस्तेमाल करिए। जो ये काम अभी करेंगे इस सरकार को खड़ा फेंकने का, ये आप अपने लिए करेंगे, अपने आने वाले जो बच्चे हैं और लोग हैं उनके लिए करने का काम करेंगे, अपने भविष्य के लिए काम करेंगे। तो अपने भविष्य के लिए जहां आपको ऐसे ही बेरोजगार कर रखा है इन लोगों ने, तो कुछ दिनों के लिए एक महीने दो महीने का समय आप अपने लिए निकाल करके, और ये मान लीजिए कि चुनाव के मैदान में श्री दशरथ लाल नहीं खड़े हैं बल्कि आप सभी चुनाव के मैदान में, श्री दशरथ लाल सरोज कहने के लिए चुनाव के मैदान में है, पर हमारे लिए आप सभी लोग यहां चुनाव के मैदान में हैं। और आप लोग अगर जब चुनाव के मैदान में हैं तो आप खुद सोचना शुरू कर देंगे कि हम अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो हमको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए अगले 30 दिन तक, वो सोचने का काम करिए। जो बातें आपसे अपने हमने कही हैं, हमारे साथियों ने कही हैं, श्री दशरथ लाल जी ने कही हैं, इनको आप यहीं पर छोड़ के मत जाइए, अपने आप इसको ले जा करके अपने लोगों के बीच में कहना शुरू करिए, लोगों के घरों में जाइए, लोगों से मिलिए, छोटी छोटी बैठक करिए, 5-5 लोगों के साथ बैठिए, 10 लोगों के साथ बैठिए और बैठ करके अपनी ये बातें उनके साथ करिए, उनको भी समझाने का काम करिए। अगर कुछ लोग अभी भी ना समझी में घूम रहे हैं तो उनको समझा करके और सही रास्ता दिखाने का काम करने की जिम्मेदारी आपकी भी है, इसको निभाने का काम करिए। अगर ऐसा आप कर लेंगे अगले 30 दिन में तो कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि श्री दशरथ लाल जी को विधानसभा भेजने से रोक सके। और इतनी ताकत लगाइए, इतनी ताकत लगा दीजिए कि जब विधानसभा का रिजल्ट निकले तो ये लगे कि खागा से दशरथ लाल जी जो हैं उन सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके इस क्षेत्र से आए हैं, इतनी ताकत दिखाने का काम। आपके बीच में ऐसा व्यक्ति है जो आपके बीच में बहुत ही साधारण रूप से रहने वाला, आपके बीच में 24 घंटे उठने बैठने वाला, आपको जब चाहिए तब इनको मिल सकते हैं, ये आपके घर आ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही चुनने की जरूरत है जो आपकी बात हम तक पहुंचा सके। आपकी बात ये जब हम तक पहुंचाएंगे, हम आपकी बात को और इनके माध्यम से जो बात होगी उसको हम अपनी नेता अपनी बहन मायावती जी को पहुंचाने का काम भी करेंगे। और इसलिए मैं आपसे ये अनुरोध करते हुए कि ये संकल्प लेकर के आज जाइए यहां से, ये संकल्प के साथ में जाइए कि आने वाले 30 दिन में हम इतनी मेहनत करेंगे कि विरोधी पार्टियों को अपने आप मालूम हो जाएगा, जो इतना पैसा बहा रहे हैं और बहाने जा रहे हैं भी बहुत पैसा बहा देंगे, उनको जवाब मिल जाएगा कि अब की बार जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है और 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी बनने जा रही हैं। इसी का संकल्प आपको भी लेना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आपसे विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत। Thank you.